आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन हम क्यों करते हैं और उसका क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश संविधान है वो सबसे प्राचीन संविधान है। ये ब्रिटिश जो संविधान है वो एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान निरंतर विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान स्वतंत्रता का प्रतीक है। ब्रिटिश संविधान विश्वव्यापी सबको प्रभावित करता है, इसलिए हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करते हैं। ब्रिटिश संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उन पर आज हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता, पहली, विकसित संविधान। भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान के द्वारा किया गया है, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ वरन उसका विकास हुआ है और इसके वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त हुआ है। ब्रिटेन में 9वीं सदी से राजतंत्र की स्थापना हुई। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्न का परिणाम हो। विकसित संविधान से यह मतलब है कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण किसी संवैधानिक सभा द्वारा नहीं किया गया, इसे धीरे धीरे विकसित हुआ है ये संविधान और धीरे धीरे विकसित होने में उसे एक लंबा समय लगा है। दूसरी, अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान वर्तमान समय में, जबकि ऐसा समझा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक प्रलेख के रूप में होना चाहिए, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं और इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा ही रही। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी है, लेकिन उनका अधिकांश प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित ही है। अलिखित संविधान से मतलब है कि ब्रिटिश का संविधान लिखा हुआ नहीं है, वो केवल प्रथाओं और परंपराओं आदि पर आधारित है। लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न संविधान में निर्धारण विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला है कि ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर ही संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश संविधान है वो लचीला है और वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेता है या उसमें आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण या विशेषता है कि वो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। प्रसिद्ध
विद्वान मुनेरो के शब्दों में ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता। मतलब ब्रिटिश संविधान में जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो वास्तव में वहाँ है नहीं, जो है नहीं वो हमें दिखाई देता है। जैसे कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। संवैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है किंतु व्यवहार में वहाँ पर राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। द्वितीय, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है। किंतु इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीयकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है। तीसरा, संवैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है किंतु वास्तविकता ये कि स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है। यानी ब्रिटेन में व्यवहार में और सिद्धांत में काफ़ी अंतर पाया जाता है। संसदात्मक प्रजातंत्र, ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भी संसद का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका अथवा संसद कानून निर्माण कार्यों के साथ साथ प्रशासन पर भी नियंत्रण रखती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक कार्यपालिका अथवा कैबिनेट का कार्यकाल लोक सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। ब्रिटेन में संसदात्मक प्रजातंत्र पाया जाता है, वहाँ पे जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका में से बनती है और वो उसके प्रति आप घनिष्ठ संबंध उनमें पाए जाते हैं। संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता, ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है और संविधान लचीले होने के कारण साधारण बहुमत से ही कानून का निर्माण कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी भी सत्ता के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत के समान न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश संसद की इस असीम शक्ति को लक्ष्य करते हुए डी लॉम ने लिखा है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। डाइसी ने संसद की प्रभुसत्ता का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। एकात्मक शासन, क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुसंगठित इकाई है और इस कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है। केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई है और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्तियां भी प्राप्त हैं, लेकिन शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियां संविधान से नहीं वरन केंद्रीय सरकार से प्राप्त है और स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व अथवा शक्तियां
केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। विधि का शासन। ब्रिटेन संविधान की एक विशेषता है जिस पर ब्रिटेनवासी बहुत गर्व करते हैं और वह है विधि का शासन। विधि के शासन का आश्रय है इंग्लैंड के शासन का संचालन किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा किया जाता है। विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों न हो एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय के अधीन है। यानी ब्रिटेन में कानून का शासन है, कानून की दृष्टि से सब व्यक्ति बराबर है, किसी के कोई साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता कानूनी दृष्टि से। अधिकार पत्र का अभाव किंतु न्यायिक स्वतंत्रता और अधिकारों की विद्यमानता। वर्तमान जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें इस प्रकार का कोई अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होने पर भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और कम अधिकार संपन्न नहीं है। कुछ अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, अत्यधिक जुर्माना और अमानुषीय दंड से बचने का अधिकार आदि तो संसदीय अधिनियमों द्वारा प्रदान किए गए हैं। कुछ स्वतंत्रताएं जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता सामान्य विधि पर आश्रित है। नागरिक इन स्वतंत्रता का उपयोग तब तक कर सकता है जब तक कि वे किसी कानून को भंग न करें या अन्य नागरिकों के ऐसे अधिकार को आघात न पहुंचाएं। यानी कि ब्रिटिशवासियों के पास अधिकार पत्रों में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन स्वतंत्रताओं का और अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी को बंदी नहीं बनाया जा सकता, किसी पे कोई दंड नहीं लगाया जा सकता, कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, वो संघ या सम्मेलन बना सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता के प्रसंग में स्थिति। ब्रिटिश संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। ये विचार विवाद का विषय है वहाँ पर, क्योंकि ब्रिटेन में कानूनी तौर पर यह व्यवस्था की गई है कि ब्रिटेन का राजा या रानी अनिवार्य रूप से पोस्टेटिट ईसाई हो। इस आधार पर अनेक व्यक्ति ब्रिटेन को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानने से इनकार करते हैं, लेकिन व्यवहारिक अध्ययन की दृष्टि से ये बात महत्व नहीं रखती। राजा तो ब्रिटिश राजव्यवस्था का प्रतीकात्मक पद है। समस्त शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, अतः ये कहना उचित होगा कि संवैधानिक स्थिति के संबंध में जो विवाद ब्रिटेन में है, व्यवहार में ब्रिटिश संपूर्ण अंशों में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश शासन प्रणाली जो है वो मिश्रित शासन प्रणाली है। मूल रूप से इसमें तीन प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। ब्रिटेन में इन तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण हमें दिखते हैं। राजतंत्र के प्रतीक के रूप में ब्रिटेन का सम्राट है। इसके द्वारा उत्तराधिकारी के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है। लॉर्ड सभा कुलीनतंत्रीय संस्था है जिसके अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग से आते हैं और उत्तराधिकारी के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं। लोक सदन और कैबिनेट लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रतीक है। राजपथ और लोकसभा के होते हुए भी वास्तविकता की दृष्टि से ब्रिटेन में लोकतंत्रीय शासन ही है।
क्योंकि राजपद और लोकसभा की शक्तियों को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। यानी ब्रिटेन में राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली भी है। इन तीनों का वहाँ मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है। सामान्य रूप से द्विसदीय व्यवस्था, लेकिन अपवाद स्वरूप समय में त्रिदलीय पद्धति। सामान्य रूप से ब्रिटिश राज व्यवस्था की एक विशेषता रही है द्विदलीय पद्धति। द्विदलीय पद्धति का आश्रय है राज व्यवस्था में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता होते हुए भी प्रमुख रूप से दो राजनीतिक दलों को ही विद्यमानता रहती है, जिसमें जनता एक राजनीतिक दल को शासन दल की स्थिति प्रदान करे तथा दूसरा दल प्रमुख विरोधी दल के रूप में कार्य करे। ये सामान्य स्थिति है, लेकिन अपवाद स्वरूप समय में किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तथा ऐसी स्थिति में एक गठबंधन सरकार, मिलीजुली सरकार का गठन होता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 65 वर्ष बाद मई 2010 में संपन्न आम चुनावों में अनुदार दल और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सरकार ने सरकार को जन्म दिया और 65 वर्ष बाद यह स्थिति बनी कि स्वाभाविक रूप से एक अपवाद स्वरूप स्थिति ही कहना होगा। सामान्य रूप से मतदाताओं की पसंद है द्विदलीय पद्धति और एक ही राजनीतिक दल की सरकार। यानी कि ब्रिटेन में दो दल हैं और द्विदलीय पद्धति वहाँ पाई जाती है, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप वहाँ पे मिली जुली जब दलों की सरकार बनी तो वहाँ पे ऐसा लगा कि तीसरा दल भी उभर कर आ सकता है। सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। शक्ति विभाजन सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू का विचार है कि ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, किंतु वस्तु स्थिति यह है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती है। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उत्तरदायित्व के केंद्रीयकरण के सिद्धांत के साथ मिश्रित कर दिया गया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है, पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था। ब्रिटेन में जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक रखा गया है। संवैधानिक सुधार कानून 1905 के पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पृथकता नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर, जो मंत्री पद पर भी आसीन होता था, और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था, लेकिन 2005 के आधार पर ब्रिटिश न्यायालय को औपचारिक सारभूत दोनों ही रूपों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से पृथक कर दिया गया। अब एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की स्थापना की गई जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक होगी। व्यवहार के अंतर्गत ब्रिटिश न्यायालय 2005 के पूर्व भी स्वतंत्र थी, लेकिन अब संवैधानिक सुधार कानून 2005 के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है। न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड चांसलर की भूमिका समाप्त कर दी गई है तथा सुधार कानून में कहा गया है कि
लॉर्ड चांसलर या अन्य कोई मंत्री किसी विशेष न्यायिक निर्णय या न्यायपालिका के कार्यों को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करेंगे। विधि के शासन के प्रति सम्मान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा लॉर्ड चांसलर का सबसे प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। इसे इस बात की शपथ लेनी होगी। आज हमने चर्चा करी ब्रिटिश संविधान की विशेषता या उसके प्रमुख लक्षण। धन्यवाद।